गाइस, वेलकम बैक टू स्पाइसेस एंड फ्लेवर्स। तो वीडियो का टाइटल पढ़ के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग कुछ अलग कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम लोग फॉलो करेंगे कविता किचन की ब्रेड गुलाब जामुन रेसिपी। आप लोगों को कविता किचन के बारे में तो पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो कौन से दुनिया में जी रहे हो आप लोग। मैंने उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जरूर चेक कीजिए। तो कविता जी जो है अपने चैनल पे एवरीडे यम्मी रेसिपीज शेयर करती है, तो मैंने सोचा चलो आज हम लोग ट्राई कर लेते हैं ये रेसिपी को। तो रेसिपी शुरू करने से पहले या वीडियो शुरू करने से पहले मैं क्लियर कर दूं कि मैं किसी की भी रेसिपी डायरेक्टली छुड़ाना नहीं चाहती। उनकी रेसिपी को मैं अपना नहीं क्लेम कर रही हूँ और ना ही किसी का स्टाइल कॉपी करना चाहती हूँ। मेरा मोटिव बस इतना है कि इस सीरीज के थ्रू मैं आप लोगों को फ्रेश न्यू कंटेंट और फ्रेश न्यू यूट्यूबर्स के बारे में इंट्रोड्यूस कराऊं, जो आप लोगों ने शायद कभी सुना ना हो या शायद उस ब्लॉगर को आप जानते नहीं हो और उनकी रेसिपीज आपको भा जाए। सो ऐसे यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स का इंट्रोड्यूस कराऊं। तो चलिए कविता किचन की रेसिपी फॉलो कर आज हम बनाते हैं ब्रेड गुलाब जामुन। शुरू करते हैं चाशनी बनाने से। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप यानी कि 200 ग्राम चीनी। तो उनके रेसिपी वीडियो के हिसाब से 1 कप उनका 100 ग्राम है, बट मैंने ये वाले स्टैंडर्ड मेजरिंग कप से मेजर किया है, तो ये 200 ग्राम चीनी है 1 कप। और इसी कप से मैंने पानी भी मेजर किया है, तो सेम कप से 1.5 कप यानी कि 300 ml पानी इसमें डालेंगे हम। तो चलिए इसे गैस पे चढ़ा देते हैं अब, और लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक एक उबाल आने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक हमारी चाशनी रेडी हो रही है तब तक यहाँ पे मैंने 8 white bread slices लिया है। इसके कॉर्नर्स कट कर लेंगे हम पहले, तो बिल्कुल इस तरह। जो ये साइड्स है आप इसे फेंकेगा नहीं, इसे आप ब्रेड उपमा या फिर ब्रेड क्रम्स बना के रखिए, जो आपको बाद में टिक्की वगैरह में यूज करने में काम आएगी। तो ये जो 8 bread slices है अपने, पहले तो इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं हम। कविता जी ने तो अपने हाथों से ही इसका एक अच्छा स्मूथ डो बना लिया था, बट मुझे ऐसे लगता है अगर हम इसे मिक्सी में एक बार ग्राइंड कर लें और इसका फाइन क्रम्स कर लें तो फिर हमें आटा गूंदने में और भी बहुत इजी हो जाती है। तो यहाँ पे हमने फाइन क्रम्स कर लिया है ब्रेड का। इस बार जो हमारी चाशनी में उबाल आ गई है, तो अब इसमें हम इलायची पाउडर डाल देते हैं। गैस का फ्लेम इस समय लो कर दीजिए आप, और 8 से 10 मिनट तक थोड़ा गाढ़ा हो जाए तब तक इसे उबाल कर गैस ऑफ कर दीजिए। आप चाहो तो इसमें केसर भी डाल सकते हैं। तो जब तक चाशनी उबल रही है चलिए हम ब्रेड का आटा लगा लेते हैं। तो हम दूध 1-1 चम्मच डालकर इसे अच्छी तरह से एकदम स्मूथ डो बन जाए तब तक बूंद लेंगे। तो ये पहले मैंने 2 चम्मच दूध डाला इसमें, इसे हल्का सा बूंद लेंगे। फिर और 2 चम्मच दूध डाल रही हूँ इसमें। ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो टाइमिंग के साथ कविता जी ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो हमें फॉलो करने में वो थोड़ा ईजी हुआ है। तो इसमें अब हम फाइनल 2 चम्मच दूध डालेंगे और इसे एकदम सॉफ्ट और स्मूथ डो बन जाए वैसे बूंद लेंगे। तो हमें 8 bread slices के लिए टोटल 6 चम्मच दूध लगी है यहाँ पे। एक और टिप जो उन्होंने शेयर किया है वो ये है कि अगर हम ऐसे छोटा सा बॉल अपने हाथ में लेकर बनाकर देखते हैं और अगर वो जम रहा है, मतलब हमें और दूध की ज़रूरत नहीं है, तो अब हम दूध को हटा देंगे और एकदम अच्छी तरह से सॉफ्ट और स्मूथ डो बना लेंगे। अपना हाथ साफ कर लीजिए और साफ हाथों से इसे मसल मसल कर अच्छे से एक 3-4 मिनट में ही आपको एकदम स्मूथ डो बन जाएगी। मेरे पास जो गैस है वो इलेक्ट्रिसिटी वाली है, तो जो टाइमिंग चाशनी बनाने में है थोड़ा सा इधर उधर फर्क पड़ता है, बट अगर आपकी गैस फ्लेम की है तो उन्होंने टाइमिंग जो दिया है मुझे लगता है वो एकदम सही जाएगी। तो आप एक छोटा बॉल स्लाइस अपने आटा से निकाल कर उसे एकदम अच्छे से बिना क्रैक के एकदम स्मूथ सरफेस आ जाए वैसे आप लड्डू शेप या गोल शेप में बना लीजिएगा। ये देखिए आप क्रैक देख सकते हैं, ऐसा क्रैक हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। इसे जोड़कर एकदम राउंड, थोड़ा सा टाइम लीजिए आप, कोई बात नहीं, उसे एकदम अच्छे से राउंड कर आप ऐसे बॉल्स बना लीजिए। तो ये 8 bread slices में मैंने 11 बॉल्स बनाए। तो चलिए इस बॉल्स को अब हम डीप फ्राई कर लेते हैं।
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो बॉल्स हैं ये पूरी तरह से तेल में नहीं डूब रही है, हमें डीप फ्राई करना है, बट आप तेल का मात्रा देख लीजिए, बिल्कुल आधी है। आप भी इतना ही तेल लीजिएगा, फुल डीप फ्राई मत कीजिए, नहीं तो वो टूटने के चांसेस हैं। तो फ्लेम भी मैंने मीडियम पे रखा है, गैस अपना मीडियम फ्लेम पे ही मैंने तेल गरम किया था। अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ये फटाक से ब्राउन होगा और अंदर कुक नहीं होगा, और अगर फ्लेम बहुत लो है तो ये बहुत टाइम लेगा फ्राई होने के लिए और बाद में हार्ड बन जाएगी। तो आप इसे बिल्कुल हिलाते रहिएगा ताकि ये चारों ओर से अच्छे तरह से पककर एकदम इस तरह यम्मी गोल्डन कलर आ जाए। बॉल्स हमारी बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, मुझे तो देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। और अब इसे हम चाशनी में डाल देते हैं। तो कविता जी कहते हैं कि ये बॉल्स डालने के बाद में आप लो फ्लेम पे इसे 2-3 मिनट को पका लीजिए तो ये सॉफ्ट बन जाएंगे, बट मैंने इसे चाशनी में 2-3 घंटे रहने दिया ऐसे ही, तो ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट और यमी था खाने में। एक और बात, आप जब गुलाब जामुन को चाशनी में डालेंगे तो ये ध्यान रखिए कि चाशनी भी अपनी थोड़ी हल्की गर्म होनी चाहिए और गुलाब जामुन भी एकदम गर्म होना चाहिए, तभी जो ये है अच्छे से सोक करेगा अपनी चाशनी को। और अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई हो या फिर बहुत ज़्यादा थिक हो गई हो तो आप उसमें थोड़ा पानी डाल के उसे गर्म कर लीजिए, फिर अपना गुलाब जामुन चाशनी में डालिए। तो 3 घंटे बाद हमारी गुलाब जामुन एकदम रेडी है खाने के लिए। इसके ऊपर आप थोड़ा पिस्ता, थोड़ा केसर डाल के सर्व कर दीजिए, तो ये बहुत ही यमी और टेस्टी आपकी गुलाब जामुन बिल्कुल तैयार है। तो देखा आप लोगों ने कितना सिंपल था ये ब्रेड गुलाब जामुन बनाना, बट मैं एक ऑनेस्ट चीज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि अगर आप ये गुलाब जामुन को अपने ट्रेडिशनल गुलाब जामुन के साथ कंपेयर करोगे तो ये उतनी सॉफ्ट नहीं बनती है। बट हाँ, बिल्कुल अगर आपको कोई मीठा खाने का मन हो, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है या फिर गेस्ट आ गए बिना बताए और आपको झटपट सा उनको स्वीट बनाना है, तो ये ब्रेड गुलाब जामुन आप रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए, बहुत यम्मी बनती है। बट ऑफकोर्स इसे रेगुलर गुलाब जामुन के साथ मत कंपेयर कीजिए। तो वंस अगेन अ स्पेशल थैंक यू टू कविताज किचन फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल रेसिपी विद अस। आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिए, आई एम श्योर बहुत अच्छा लगेगा सबको। अगर कोई और रेसिपी है ऐसी आपकी फेवरेट यूट्यूबर या ब्लॉगर की जो आप चाहते हो कि मैं ट्राई करूं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस सुषमा साइनिंग ऑफ फ्रॉम स्पाइसेस एंड फ्लेवर्स। टेक केयर, बाय बाय।